हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सन भारत डिजिटल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है, राइट? डोमेन और होस्टिंग आप कैसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, और अगर आपको आपकी खुद की वेबसाइट शुरू करनी है तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि डोमेन क्या है, राइट? मान लीजिएगा आप कोई भी वेबसाइट का एक नाम लीजिए, जैसे कि www.something.com और www.myeducation.com और www.myshopping.org, राइट? तो ये जो इस तरह के अलग अलग नाम जो होते हैं, जो आप सर्च करते हैं ऑनलाइन, इसे हम डोमेन बोलते हैं। डोमेन मतलब जस्ट कुछ नहीं, एक वेबसाइट का जो नाम हम बोलते हैं वो, उसे हम डोमेन बोलते हैं। ये डोमेन आपको ऑनलाइन परचेस करना होता है। और अब बात करते हैं होस्टिंग की। होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग इज अ वन काइंड ऑफ, वी कैन से टाइप ऑफ सर्वर स्पेस, राइट? अ टाइप ऑफ सर्वर स्पेस वेयर योर ऑल द वेबसाइट डेटा आर स्टोर्ड। तो आप मान लीजिए आपकी वेबसाइट में जितने भी कोई कंटेंट है, फोटोग्राफ्स है, पूरा जो वेबसाइट का डेटा है वो आप कहाँ स्टोर करेंगे? तो किसी सर्वर में स्टोर करेंगे। और जब भी आप डोमेन लेते हैं तो उस डोमेन एड्रेस को, यानी कि आप उस नाम को उस होस्टिंग सर्वर के साथ आपको कनेक्ट करना होता है। हो सकता है आपने ये एक ही प्रोवाइडर से लिया हो या फिर अलग अलग प्रोवाइडर से लिया हो, तो उसका एक प्रोसेस होता है उसको कनेक्ट करने के लिए। डोमेन मतलब एक सिर्फ नेम होता है, और होस्टिंग सर्वर मतलब एक स्पेस होता है, स्टोरेज स्पेस, जहाँ पर आपकी पूरी जो वेबसाइट है उसको आप स्टोर करते हैं। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करना होता है डोमेन को होस्टिंग के साथ। अगर आपने डोमेन और होस्टिंग दोनों एक ही जगह से परचेस किया है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ऑटोमेटिकली उसको कनेक्ट कर देगा, राइट? सो डोमेन एंड सर्वर प्रोवाइडर्स वुड बी सेम और इट वुड बी डिफरेंट एज वेल, राइट? दोनों एक ही जगह से भी आप परचेस कर सकते हैं और अलग अलग जगह से भी आप परचेस कर सकते हैं। अगर आप अलग जगह से परचेस करते हैं तो आप उन दोनों को कनेक्ट करने का एक प्रोसीजर होता है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको डोमेन को अपने होस्टिंग सर्वर से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप, राइट? तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि डोमेन नेम को कैसे परचेस करना है। देखिए, डोमेन नेम में आप काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं वहाँ से परचेस कर सकते हैं, जैसे कि GoDaddy है, इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन, और भी है जैसे कि ब्लू होस्ट है, होस्टगेटर है, आप चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं, लेकिन GoDaddy इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वन। तो यहाँ पर आके आपको सबसे पहले आपका अकाउंट क्रिएट करना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करवाना है अपना अकाउंट, और फिर आपको लॉगिन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए मेरा लॉगिन हो चुका है यहाँ पे, और अब आपको यहाँ पर टाइप करना है आपका जो भी डोमेन, मतलब जो डोमेन आप परचेस करना चाहते हो वो, उसका नाम आपको यहाँ पर टाइप करना है, और देखिए कि अवेलेबल है कि नहीं। तो सपोज मैं टाइप कर रहा हूँ शॉपिंग लिस्ट, ठीक है, ऐसा कुछ, चलो आप ट्राई करते हैं, देखते हैं ये अवेलेबल है कि नहीं। शॉपिंग लिस्ट, एक ही डोमेन के काफ़ी सारे वर्जन होते हैं, जैसे कि .com में सर्च कर रहा हूँ, .com इज़ वन ऑफ द मोस्ट गुड वन, और ये कॉस्टली भी होता है, .com, .in, .org, काफ़ी सारे एक्सटेंशन होते हैं। देखिए .com यहाँ पर दिख रहा है कि इट्स ऑलरेडी टेकन, शॉपिंग लिस्ट .com इज ऑलरेडी टेकन, और बाकी ये सारे .in, .com, .today, ये सारे अलग अलग है वो अवेलेबल है, लेकिन .com है वो ऑलरेडी किसी ने ले लिया है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिया गया है, अगर आप चाहे तो यू नो इसका जो ब्रोकर है उसको कॉन्टैक्ट करके, ये आप वो उसकी जो मेन पार्टी है वहाँ से आप इसको अप्रोच कर सकते हैं उसको परचेज करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपको काफ़ी सारी अच्छी रकम एक देनी पड़ेगी। यहाँ पर लिखा है कि 4,559 रुपीज़ आपको देना होगा ब्रोकरेज सर्विस फ़ी का। अगर आप डेस्परेट है कि मुझे यही डोमेन चाहिए .com वाला ही, जो कि किसी ने ऑलरेडी ले लिया है, तो क्या ये जो ब्रोकर है वो आपके बिहाफ में वो वहाँ पर वो अप्रोच करेगा इस डोमेन को बेचने के लिए, और अगर वो मान जाएंगे तो आप इसको खरीद सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ शॉपिंग लिस्ट .in आपको दिखाने के लिए, .com तो अवेलेबल नहीं है, .in, शॉपिंग लिस्ट .in, और इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ कंटिन्यू टू कार्ट, और ये जो डोमेन है वो हमारे कार्ट में ऐड हो जाएगा, जिस तरह से आप वो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स पे जो शॉपिंग करते हैं और कार्ट आता है उसी तरह का यहाँ पर भी कार्ट आता है। तो यहाँ पर आपको देखिए अलग अलग और भी ऑप्शंस दे रहे हैं, जैसे कि आपको वर्डप्रेस में अगर साइट आपको पब्लिश करनी है तो उसके लिए एक पैकेज है, प्रोफेशनल अगर ईमेल चाहिए आपको, मतलब जनरली हम क्या होता है जो ईमेल एड्रेस है वो @gmail.com होता है, लेकिन आपको अपना खुद का डोमेन का जो प्रोफेशनल ईमेल चाहिए तो उसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अभी मैं फिलहाल नो दे रहा हूँ सब जगह, और यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कार्ट में प्रोसीड करने। देखिए अभी हमारा ये 2 साल का अगर हम ये डोमेन लेते हैं शॉपिंग लिस्ट .in 2 साल के लिए, तो यहाँ पर देखिए उसका रेट लिखा है और बाकी जो है टैक्सेस उस सबको मिला के देखते हैं 1 साल का कितना होता है। 1 साल का होता है 449 रुपीज़, राइट, सब टोटल है। और अगर 2 साल का, अगर हम 5 साल का लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2545। देखिए जितना अगर आप ज़्यादा साल के लिए लेंगे उतना ही आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा,
और जितना कम साल के लिए लेंगे उतना ये आपको कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल 2 साल के लिए मैं इसको चेक इन कर रहा हूँ, और यहाँ पर अब आपको फाइनली पेमेंट के लिए आपको प्रोसीड करना है। यहाँ पर आप जो भी पेमेंट करना चाहे जिस ऑप्शन के जिस मोड से वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। और यहाँ पर देखिए अब आ गया है पेमेंट के लिए पेज, ठीक है। और अपनी कार्ड की डिटेल्स ऐड करने के बाद अब आपको फाइनली इसको प्रोसीड करना है आगे। अब आगे का आपको मालूम ही होगा, जब भी आप कंफर्म करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, और जो बैंक का जो आप पेमेंट प्रोसीजर है ऑनलाइन पेमेंट का वही रहेगा। तो ये हम आपको नहीं दिखा रहे, अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ। अब सेकंड देखते हैं हम कि होस्टिंग सर्वर को कैसे हम परचेज कर सकते हैं और कौन सी वेबसाइट में से। GoDaddy में भी अवेलेबल है, लेकिन मैंने जो परचेज किया है वो होस्ट गेटर में से किया है। वो भी एक अच्छा है, इंडिया की कंपनी है, तो अगर आप चाहे तो वहाँ से भी होस्टिंग पैकेज ले सकते हैं। वो काफ़ी रिजनेबल रेट पे आपको होस्टिंग सर्विस है प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर हम होस्ट गेटर पे ये लॉगिन करते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट कर लिया है, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपको भी यहाँ पर एक नया अकाउंट है वो आप क्रिएट करना है, और फिर आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं, राइट। देखिए होस्टिंग मतलब अलग अलग तरह के आपको पैकेजेस मिलेंगे सर्वर पे स्पेस के लिए। उसमें जैसे कि लिनक्स रहेगा, लिनक्स शेयर्ड होस्टिंग, विंडोज शेयर्ड होस्टिंग है, और ओपन सोर्स वेब होस्टिंग है, राइट। डिपेंड करता है आपकी वेबसाइट कौन सी है, किस तरह का उसमें डेटा है। जैसे कि आप PHP में बनाते हैं, बहुत ही लाइट वेट आपके पास है एप्लीकेशंस, तो आप लिनक्स इज़ वन ऑफ द गुड वन। विंडोज़ अगर ASP.NET की वेबसाइट हो तो आप विंडोज़ का कर सकते हैं। और शेयर्ड मतलब क्या है कि आपका डेडिकेटेड सर्वर नहीं रहेगा, आपके साथ काफ़ी सारे लोगों का भी उस सर्वर पे वो एक्सेस रहेगा, मतलब कि इट्स अ कॉमन, आपका कोई स्पेशल प्राइवेट सर्वर नहीं है, राइट। और यहाँ पर आपको चूज़ करना है कंट्री। देखिए अगर आपका ज़्यादातर ट्रैफिक इंडिया में से आ रहा है तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं, तो डेडिकेट इंडिया का ही सर्वर रहेगा। लेकिन आप ग्लोबल लेवल पे जाना चाहते हैं, अगर आपका ट्रैफिक ग्लोबल लेवल पे, तो आप यहाँ पर अमेरिका सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर 5 साल के आप रेट्स दिए हैं, अगर आप 5 साल के हिसाब से लेते हैं तो पर मंथ आपको इसका कितना एक्सपेंडिचर रहेगा। और इसमें अलग अलग आपको ऑप्शन दिए गए, जैसे कि अगर आप 1 ईयर के लिए लेते हैं तो आपको पर मंथ 159 का आपका यहाँ पर कॉस्ट होगा, राइट। जितना आप ज़्यादा साल के लिए लेंगे उतना ही आपको पर मंथ का जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम रहेगा, डोमेन की तरह ही सेम। और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये मैं आपको फुल दिखाता हूँ क्या क्या ऑप्शंस है। देखिए यहाँ पर सिंगल डोमेन आपको अटैच कर सकते हैं, यानी कि एक ही वेबसाइट अटैच कर सकते हैं। 10 GB आपको डिस्पेस मिलेगा, 100 GB का ट्रांसफर रहेगा, 5 बिजनेस ईमेल अकाउंट्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें, राइट। और भी काफ़ी सारी सिक्योरिटी ओरिएंटेड काफ़ी कुछ फीचर्स है, सर्टिफिकेट्स है, SSL सर्टिफिकेट है, वो काफ़ी अच्छा है अगर गूगल इंडेक्स के लिए, मतलब क्या कि जो वेबसाइट रहेगी वो एक ऑथेंटिकेटेड, उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। और वन क्लिक इंस्टॉलेशन से इनके इसके अंदर, और सी पैनल भी आपको रहेगा। सी पैनल क्या होता है, वहाँ से आप पूरी आपकी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, डैशबोर्ड आपको मिलता है। और जिस तरह से आप आगे के प्रीमियम पैकेजेस में जाएंगे आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। फिलहाल अभी मैं यहाँ पर इसको यस कर रहा हूँ बेसिक पैकेज को, और ये पूछ रहा है डू यू ऑलरेडी हैव अ डोमेन फॉर योर होस्टिंग प्लान। अगर आपके ऑलरेडी पर आपके पास डोमेन है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कीजिए। मेरे पास सपोज ऑलरेडी डोमेन है तो यहाँ पर मैं आपको डोमेन के हम नाम उसका एंटर करते हैं। तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ shoplist.in, जो अभी हमने लिया था GoDaddy में से, तो उसी का नाम हमको यहाँ पर एंटर करना है, और फिर हम कर देंगे कंटिन्यू। यहाँ भी आपको कार्ट मिलेगा, जिस तरह से आप शॉपिंग वेबसाइट में कार्ट आता है, ये सारी जो सर्विसेज है वो आपकी कार्ट में चली जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा है, सबसे पहले यहाँ नीचे देखिए सिंगल डोमेन लिनक्स होस्टिंग, जो हमने मेन पैकेज लिया था होस्टिंग का, वो यहाँ पर ऐड हो चुका है 10 GB स्पेस के साथ। और यहाँ पर आपको 1 साल का अगर आपको लेते हैं तो यहाँ पर रेट आपको दिखा रहा है, और अगर स्पेशल ऑफर भी है यहाँ पर, अगर आप ज़्यादा साल के लिए थे जैसे कि 2 साल के लिए लेते हैं तो आप यहाँ पर ये ऑफर का भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ जो बाकी सारी ऑप्शंस जो आपको दिए गए या ऑलरेडी ऑटोमेटेड वहाँ पर ऐड हो चुकी है, ये सारी सिक्योरिटी ओरिएंटेड है। डिजिटल सर्टिफिकेट्स आपको चाहिए, अगर साइट लॉक चाहिए, अगर आप एक्सीडेंटली अगर आपका साइट का जो डेटा है वो लॉस्ट हो जाता है तो मतलब उसका बैकअप रहेगा, हैकिंग अगर कोई हैकिंग की ट्राई करता है तो वो आपको वहाँ पर फीचर्स मिलेगा। फिलहाल मैं ये सारे ऑप्शंस को डिलीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास बहुत सेंसिटिव डेटा है, कस्टमर्स का डेटा है, तो आप वहाँ ले सकते हैं, फिलहाल मुझे कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। और देखिए यहाँ पर आ गया है सब टोटल है, टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा अगर मुझे ये वेबसाइट चाहिए। देखिए मैं अलग अलग मैं आपको साल के हिसाब से दिखाता हूँ, मंथ के हिसाब से भी आप ले सकते हैं, अगर 1 महीने के लिए चाहिए मिनिमम, राइट। तो 1 साल के लिए, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए गए आपको।
यहाँ पर एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। तो यहाँ पर 2 साल के लिए थे तो आपको पर मंथ का जो है एक्सपेंस वो रहेगा 199 रुपीज़ में, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल कुछ आपको डिस्काउंट्स भी मिलेगा। ये 1567 आपको डिस्काउंट यहाँ पर उसने डिडक्ट कर दिया है। तो अभी आपका जो है इंक्लूडिंग टैक्स अमाउंट ये होता है और 7484। और यहाँ पर आप अलग अलग जो ऑप्शंस दिए गए हैं पेमेंट के लिए, आप जिस पेमेंट को पेमेंट मोड को चूज़ करना चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पे नाउ, मैंने पे यू चूज़ किया है, उसमें डेबिट कार्ड इसलिए। तो अभी आपको देना पड़ेगा 7484 2 साल के लिए। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं फाइनल पेमेंट के पेज पे। यहाँ पर आपको आपका कार्ड का डिटेल्स डालना है, एक्सपायरी डेट डालना है, सीवी डालना है, उसके बाद आपका एक ओटीपी आ जाएगा आपके मोबाइल पे फाइनल पेमेंट के लिए। वो आपको कंफर्म करके आपको एक रिसिप्ट है वो जनरेट हो जाएगा, और आपका ऑर्डर कन्फर्म हुआ है उसका ईमेल में एक आपको मेल आ जाएगा। ईमेल में रिसिप्ट के साथ साथ कुछ और भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आएगी, और वो क्या है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है अपने वेबसाइट में उसका भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो में आएगा। फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि जब भी आपका ऑर्डर कंफर्म होता है तो ये होस्टगेटर में से किस तरह का मेल आता है आपको, और साथ में क्या क्या डिटेल्स आती है। दोस्तों होस्टिंग परचेस करने के बाद आपको इस तरह से एक ऑर्डर कन्फर्मेशन का ईमेल आएगा और साथ में एक रिसिप्ट भी आएगा, जितना भी आपने पेमेंट किया है उसका फाइनल रिसिप्ट आपको मिलेगा इस तरह से। मैंने ऑलरेडी एक होस्टिंग पैकेज परचेस कर लिया था तो ये उसका ईमेल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरह का ईमेल आपको भी मिलेगा ऑर्डर कंफर्मेशन का, और इस ईमेल के साथ साथ एक और ईमेल आपको मिलेगा होस्टगेटर में से, जिसमें के सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मेंशन होंगी, जैसे कि आप अपना वेब सर्वर कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सीपीएनएल का डैशबोर्ड कैसे ओपन होता है, और साथ में नेम सर्वर, ये नेम सर्वर क्या है और इसका क्या इस्तेमाल है, डोमेन के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो देखिए आपका डोमेन आ गया, होस्टिंग आ गया, अब आप अपने वेबसाइट कैसे शुरू कर सकते हैं वो मैं आपको आगे अगले वीडियो में बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।